हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्ते एंड सत श्री अकाल वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो इंडिया का अवार्ड है पद्मावती या पद्मश्री अवार्ड है। हमें उस बारे में इतना हमने रिसर्च नहीं किया और हम पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद इस पे डिस्कस करते हैं कि ये पद्मावती अवार्ड क्या है, पद्मावती या पद्मश्री अवार्ड क्या है और किस लिए दिया जाता है और किसको मिला है, फिर इस पे डिस्कस करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। मोदी जी ये अवार्ड है वो लंबा सा ना। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा भाव में लगा देते हैं। परिवर्तन मतलब बदलाव। लोग गुमनामी में रहकर भी अपने काम को करते रहते हैं। वहीं ऐसे लोग देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार के जरिए देश के सामने आते हैं। पद्म पुरस्कार से कुछ ऐसी कहानी हम आज आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि भावुक भी हो जाएंगे। पहला नाम है तुलसी गौड़ा। इस तस्वीर को देखने के बाद बस यही कहा जा सकता है कि यही है सम्मान का सम्मान। जंगलों की एनसाइक्लोपीडिया के नाम से मशहूर ये है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जब वह सम्मान लेने के लिए पहुंची तो उनके बदन पर पारंपरिक धोती थी और पैरों के नीचे चप्पल तक नहीं थी। जंगलों में रहती से उनका सामना हुआ तो दोनों दिग्गज नेताओं ने उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। इस तस्वीर को वहां मौजूद प्रेस कर्मियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। कर्नाटक के होनाली गांव की रहने वाली गौड़ा ने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं। देखभाल करती है। तुलसी गौड़ा को सम्मानित करने के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। तुलसी गौड़ा को पौधों और जड़ी बूटियों की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप में भी जाना जाता है। जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया। लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले प्रभु राम की नगरी अयोध्या के समाज सेवी मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जैसे पाकिस्तान में ईदी है। दरअसल करीब 25 साल पहले उनके बेटे की मौत हो गई थी। वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक खुद नहीं कर पाए थे। बस तभी से वे लावारिस लाशों को अपना पुत्र समझकर बिना जात या धर्म देखे उनका अंतिम संस्कार करने लगे। आज वे 25,000 से ज्यादा मुस्लिम है लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। 25,000 से ज्यादा कहानी को जान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद को उनका हाथ पकड़ उनका हौसला हाफसाई करने से रोक नहीं पाए। हरिकाला हजब्बा संतरे बेचने वाले 64 साल के हरिकाला ये सारे अपना ना वो मिडिल क्लास है या ये जो अवार्ड है ये गरीबों को जिन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं अवाम के लिए। ये सुनने दीजिएगा रोचक कहानी है। दरअसल एक दिन कुछ विदेशी टूरिस्ट ने हजब्बा से अंग्रेजी में उनके संतरों का भाव पूछा। अंग्रेजी न आने के चलते वे उसका जवाब नहीं दे पाए। वे खुद अशिक्षित थे। इसके बाद उन्होंने संतरे बेचकर अपनी जमा पूंजी से साल 2000 में अपने गांव में एक एकड़ जमीन पर जरूरतमंद बच्चों के लिए एक प्राथमिक स्कूल की स्थापना की। यहाँ हमने आपको सिर्फ 3 कहानियां बताई हैं, लेकिन हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो गुमनामी में भी समाज सेवा को परम धर्म मानते हैं। देश में अब ऐसी शुरुआत हुई है कि पुरस्कार के असली हकदार इन लोगों को ऐसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा रहा है। अच्छा अब समझ आई कि ये क्या ये जो पद्म पुरस्कार इसका वो अवार्ड का नाम है। अवार्ड का नाम है और ये इंडिया में जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं या जैसे वो बता रहे हैं फ्री उसने वो मुर्दे जलाने का काम जो है वो अंतिम संस्कार जिनका किया उसको है और उसमें वो जो दूसरा है संतरे बेचने वाला उसने एक स्कूल बना के और वहां पे इंग्लिश नहीं आती थी उसने सोचा मुझे नहीं आती क्यों ना मैं जिनको नहीं आती उनके लिए कोई ऐसा स्कूल बना दूं कॉलेज बना दूं कि उनको इंग्लिश आए। और वो जो एक औरत है जिसने शूज भी नहीं पहने हुए उसने 32,000 प्लांट्स लगाए हैं और उसको पता है नॉलेज है अब पौधों के बारे में प्लांट्स का उसे इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है इंसानी इंसाइक्लोपीडिया।
तो यार ये इस तरह के लोगों की इंडिया में इस वीडियो से लग रहा है बहुत वैल्यू की जाती है वहाँ का जो मतलब जो भी अपने कंट्री के लिए अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करता है ना, चाहे वो मुस्लिम है हिंदू है या सिख है कोई भी है, तो वो उसमें मुझे लग रहा है जिसने दाढ़ी रखी हुई है वो मुस्लिम लग रहा बहुत अच्छा लगा। हाँ, उसका नाम शरीफ बताया, मोहम्मद शरीफ, वो जो उसको भी वहाँ पे वो मोदी ने बुला के उसको अवार्ड दे रहे हैं। तो गाइज आपने ना मुझे एक बात बतानी है कि पद्मश्री और पद्म पुरस्कार क्या ये एक ही अवार्ड है या ये दो मुख्तलिफ अवार्ड है, मुझे इसमें जरा थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखना गाइज, अगर आज की आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में आप बताएं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं, और चैनल और बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।